श्रीमद् भगवद गीता 11वीं कक्षा दूसरा अध्याय। कल हम देख रहे थे यदृच्छया चोपन्नम स्वर्ग द्वारम अपावृतम सुखिना क्षत्रिया पार्थे लभन्ते ईदृशम। युद्ध कर्तव्य कैसे है, पीछे 31वें श्लोक में ये बतलाया, अपने धर्म को देख करके भी तुम्हें विकंपित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि धर्मयुक्त युद्ध से श्रेय क्षत्रिय के लिए और क्या हो सकता है। तो प्रश्न उठा कि युद्ध कर्तव्य कैसे है, तो इसका उत्तर दिया कि आपने तो इसको चाहा नहीं है और यदृच्छा से बिना मांगे ये आ पड़ा है। तो ऐसी चीज जो होती है सहज मिले अविनाशी, ऐसे हमने सुना है, ग्रामीण लोग भी ऐसी बात बोलते हैं कि भाई सहज मिले अविनाशी। तो ये तो सहज रूप से आपको ये चीज मिली है, तो ये आपको उस अविनाशी तत्व से परिचय कराने वाली होगी। यदृच्छया अप्रार्थितया उपपन्नम स्वर्ग द्वारम अपावृतम उद्घाटितम यह एतद ईदृशम युद्धम लभन्ते। जो क्षत्रिय लोग होते हैं वो ऐसा युद्ध जो प्राप्त करते हैं वो एक प्रकार से खुला हुआ स्वर्ग द्वार होता है। और इसको इस तरह शंकराचार्य जी ने कहा कि यदृच्छया प्रार्थितया उपन्नम स्वर्ग द्वारम, बिना मांगे ऐसा स्वर्ग द्वार जो आपके सामने खुल गया है, एतद ईदृशम युद्धम क्षत्रिया लभन्ते। हे पार्थ, क्या वे सौभाग्यशाली नहीं है? किन्न सुखिनस्ते, सुखिना का अर्थ है क्या वे सौभाग्यशाली नहीं है, अर्थात अवश्य ही है। आगे कहते हैं अचेत त्वम इमम धर्म्यम संग्रामम न करिष्यसि, इस धर्म युक्त संग्राम को यदि तुम नहीं करोगे तथा स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा पापम अवाप्स्यसि, तो तुम अपने धर्म को भी खो बैठोगे और तुम्हारी कीर्ति भी चली जाएगी। तुम एक ऐसे योद्धा के रूप में प्रसिद्ध हो जो न्याय के पक्ष में, जिसके गांडीव के सामने सब कांपते हैं जब वो न्याय पक्ष में खड़ा होता है, तो ऐसा आपके प्रति लोगों की अवधारणा है वो बदल जाएगी। तो ऐसे बदलने से क्या होगा, तो वो लौकिक दृष्टि से समझा रहे हैं, उसको उद्बोधन दे रहे हैं कि जब हम अपने कर्तव्य को पूरा नहीं करते तो लोक में जब हमारी निंदा होती है तो वो हमारे लिए बहुत ही असहनीय होता है। जैसे एक वस्तु के अभाव से हमें कष्ट मिलता है और एक समझ के अभाव से कष्ट मिलता है और एक अपने कर्तव्य को ठीक पूरा न करने से लोक निंदा के रूप में जो कष्ट मिलता है, तो ये लोक निंदा के रूप में जो कष्ट मिल रहा है उसकी बात कह रहे हैं। अचेत त्वम इमम धर्म्यम संग्रामम न करिष्यति, तुम इस धर्मयुक्त संग्राम को यदि नहीं करोगे। ये तो संग्राम अर्जुन की बात नहीं है, ये हमारे भी सबके सामने ऐसी परिस्थितियां आती हैं। धर्मयुक्त हमारे कुछ कर्तव्य होते हैं, उनको यदि हम नहीं करते हैं तो अपने अपने कर्तव्यों को, ये भूतकाल की कोई कहानी नहीं समझनी चाहिए। एक होता है नित्य इतिहास, तो एक श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसा शास्त्र है जो नित्य इतिहास है। नित्य इतिहास वो होता है जो कभी पुराना नहीं होता है, बासी नहीं होता है। मानी इस शास्त्र में जो पात्र चयन किए हैं वो तो हजारों साल पुराने हैं, पर जो बात कही जा रही है वो पुरानी नहीं है, वो तो हर काल में जब तक ये सूर्य चंद्र रहेंगे, जब तक ये सृष्टि रहेगी, मनुष्य रहेंगे, मनुष्यों के बीच में जो ये जीवन का प्रवाह रहेगा, तब तक ये समस्याएं रहेंगी और इनका यही समाधान होगा, इससे अलग हट करके कोई समाधान नहीं हो सकता है। ऐसे ग्रंथों को कालजयी ग्रंथ कहते हैं, ऐसे ग्रंथों को नित्य इतिहास के रूप में प्रस्तुत करते हैं कि ये ऐसा ग्रंथ है जो काल का उसके ऊपर कोई हस्तक्षेप नहीं है। जैसे हम लोग पुस्तक लिखते हैं तो हम अपने जीवन काल में अपना संदेश देते हैं, कभी कभी एक बार आदमी पुस्तक छपा लेता है, दूसरी बार हिम्मत नहीं करता, कभी कोई संपन्न हो तो बार बार छपाता रहता है, 100 वर्ष 200 वर्ष, कितने अच्छे अच्छे ग्रंथ व्याकरण आदि के हैं,
व्याडी नाम के एक व्याकरणाचार्य हुए, महावैयाकरण हुए, उन्होंने 1,00,000 श्लोक लिखे थे व्याकरण के। अब तो कहीं इधर उधर कहीं बिखरे हुए मिलते हैं, सब खत्म हो गए। तो ये जो श्रीमद् भगवद गीता योग शास्त्र है, ये ऐसा योग शास्त्र है कि मानव जीवन की हर काल की समस्याओं के लिए ये उपयुक्त है। क्योंकि समस्या जो होती है वो काल में नहीं होती है, समस्या तो सदा होती है। समस्या जो सदा होती है उनको काल से अलग करके ही देखना होता है। तो आदमी को मोह आता है, शोक आता है, और वो अपने कर्तव्य से च्युत हो जाता है। ये सब बातें सदा हमारे सामने आती हैं, उनको यहाँ पर सुलझाया जा रहा है। तो एक तो आत्मा की नित्यता को लेकर के उपदेश दिए बहुत सारा लंबा। आत्मा जो है मरता नहीं, आत्मा को मार नहीं सकते, काट नहीं सकते, ऐसा ऐसा संदेश दिया। अब दूसरा एक व्यावहारिक सामाजिक दृष्टि से हमें अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए, वो बता रहे हैं। हाँ जी गुरु जी, आपने कहा गीता जो है सर्व काल ग्रंथ है, ये उपनिषद, दर्शन, वेद, ये भी तो हैं? हाँ, ये भी वैसे ही है जी। उपनिषद, दर्शन, वेद, वो भी ऐसे ही है। तो अचेत्वम इमं धर्मम संग्रामम न करिष्यसि तथा स्वधर्मम कीर्तिम च। तो तुम्हारा जो अपना धर्म है और जो तुम्हारी कीर्ति है वो उसको त्याग कर, हित्वा माने त्याग कर, पापम अवाप्स्यसि। अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेव्ययाम। और तुम्हारी कभी भी नष्ट न होने वाली अपकीर्ति का बखान करेंगे, ऐसी अपकीर्ति गाएंगे कि जैसे कभी भी उसका अंत नहीं होगा, कहते ही रहेंगे, कहते ही रहेंगे, और धरती के अंत तक तुम्हारी अपकीर्ति चलती रहेगी कि एक ऐसा कायर व्यक्ति था कि युद्ध का जब मौका आया, अपने कर्तव्य पालन का जब समय आया, तो उसने क्या क्या बहाने बनाए, क्या क्या उसने बातें छेड़ दी। तो ये इस तरह से तुम्हारे को कहेंगे। और एक बड़ा संदेश दिया है, सब व्यावहारिक संदेश है। संभावितस्य चाकीर्ति अपमरणादतिरिच्यते। कोई सम्मानित व्यक्ति हो और उसकी अपकीर्ति हो जाए, सोशल डेथ हो जाए, इससे बढ़ करके और क्या मृत्यु होगी। संभावितस्य चाकीर्ति मरणादतिरिच्यते। संभावित व्यक्ति की, संभावित कहते हैं सम्मानित, सम्मानित व्यक्ति की जो अपकीर्ति है वो मृत्यु से भी बढ़कर होती है। मरणादतिरिच्यते, मृत्यु से भी बढ़कर के होती है। इसलिए सोच समझ करके, अपने दिमाग को स्वस्थ करके इस बारे में सोचो, ऐसा उनका संदेश है। गुरु जी जी, अव्ययाम सप्तमी है, प्रथमा द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। कथयिष्यन्ति जो क्रिया है इसका अव्ययाम कर्म पद है। अव्ययाम अकीर्ति के साथ समानाधिकरण है, नष्ट न होने वाली अपकीर्ति। अव्ययाम, अव्यय शब्द का स्त्रीलिंग में अव्ययाम है। न विद्यते व्ययः यस्याः एवं भूता अपकीर्ति, ऐसी अपकीर्ति जिसका व्यय नहीं, क्षय नहीं, क्षरण नहीं। भयाद्रणाद उपरतम मंस्यन्ते त्वाम महारथा। ये इस युद्ध में जो महारथ है ना, जो योद्धागण हैं, वे सब तुम्हें भय से भागा हुआ मानेंगे। भयाद रणात, भय के वशीभूत होकर के, रणाद उपरतम, रण से उपरत माने हटा हुआ, भागा हुआ तुझे मानेंगे। ऐसा चैतुम बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम। और जिनका तुम बहुमान्य तुम्हें मिला है, जिनके द्वारा सम्मानित होकर के जिए हो, ऐसा चैतुम बहुमता, जिनके तुम सम्मानित होकर के जिए हो, उनके सामने लघुता को प्राप्त होकर के तुम्हें जीवन जीना पड़ेगा। लाघवम यास्यसि, तुम लाघव को, लघुता को प्राप्त हो जाओगे। बहुमत होकर के, सम्मानित होकर के और लघुता को प्राप्त हो जाओगे, ये अच्छी बात नहीं होगी। तुम्हें सहन नहीं होगा, तुम्हारी आत्मा को चोटेगी, मेरा दिमाग खराब हो गया, क्या करूं, ऐसे ऐसे बाद में पश्चाताप होता रहेगा। कहीं भी किसी स्तर पर कोई व्यापार कर रहा है, कोई बिजनेस करता है, फिर उसके निर्णय में गलती हो जाती है और वो ज़्यादा पैसे लगा देता है, ज़्यादा मोल लगा देता है और उसको खरीदना पड़ता है, ना खरीदे तो वो वैसे
उसकी निंदा होती है कि देखो बात कर लेता है और फिर पीछे हट जाता है, तो वो खरीना पड़ता है और बाद में पश्चाताप करता रहता है, क्या करूं, क्या दिमाग खराब हुआ मेरा, कैसे मेरी बुद्धि ने काम नहीं किया और मैंने गलत निर्णय ले लिया, ऐसे ऐसे सोचता है। इसी तरह अलग अलग क्षेत्रों में जो हम निर्णय लेते हैं, यदि गलत निर्णय हो जाता है तो हम उसी तरह से पश्चाताप करते रहें, कोई गलती हो जाए, कोई त्रुटि हो जाए, आचरण की गलती हो जाए, तो आदमी सारी जिंदगी ऐसे ही सोचता रहता है कि मेरा दिमाग खराब हो गया, क्या किया मैंने। तो वही कह रहे हैं, अवाच्य वादांश्च बहून वदिष्यन्ति तवाहिता, तुम्हारे जो अहित लोग हैं, अशुभ चिंतक हैं जो तुम्हारे इस दुनिया में, हम तीन लोगों के बीच में रहते हैं। भर्तृहरि ने कहा है कि हम तीन लोगों के बीच में रहते हैं, एक हमारे पक्षधर होते हैं, एक विपक्ष में होते हैं, एक उदासीन होते हैं। मुनेरपि वनस्थस्य स्वानि कर्माणि कुर्वत त्रया पक्षा जायन्ते मित्रोदासीन शत्रुव। वनस्थ कोई मुनि हो, वन में जाकर बैठ जाए, जंगल में जाकर बैठ जाए, समाज से कोई लेना देना नहीं, उसके बारे में भी तीन अवधारणाएं हो जाती हैं। कोई कहता है कि भूत सिद्ध पुरुष हैं, कोई बोलता है हम जानते हैं जैसा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ करके और यहाँ आकर के बैठ गया, और कोई कहता है अरे हमें क्या मतलब, जैसा है पड़ा रहे, हमें क्या मतलब, जैसा है अपना ठीक है। वो सोचना ही नहीं चाहते, वो उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देना चाहते, तो ये तीन पक्ष बन जाते हैं। वनस्थस्यापि ऐसा कहा, मुनेर अपि वनस्थस्य अपि शब्द डाला, और जो बहुत बड़े जन समुदाय में रहता है उसके बारे में तीन पक्ष ना बने, ऐसा कैसे हो सकता है। किसी से कुछ लेना देना नहीं, जंगल में चले जाए, उसके बारे में भी जब ये अवधारणा बन जाती है, कोई उसकी बड़ाई करता है, कोई निंदा करता है, कोई उससे उदासीन हो जाता है, फिर इतने बड़े जमघट में जो रहेगा उसके बारे में तो निश्चित रूप से उसके मित्र भी होंगे, उसके उदासीन भी होंगे, उसके शत्रु भी होंगे, विरोधी भी होंगे। तो वो कह रहे हैं कि जब तुम अपना कर्तव्य नहीं करोगे तो उनको बड़ा अच्छा लगेगा, जो तुम्हारे अहित अशुभ चिंतक हैं उनको तो ऐसा लग जाएगा कि जैसे उनकी थाली में किसी ने घी डाल दिया हो। वो बोलते हैं हरियाणा में घीसा गल गया भाई, तो घी जैसे थाली में जो है आ गया हो ऐसा लगेगा, और वो बहुत निंदित बातें तुम्हारे बारे में कहेंगे, अवाच्य वादान न कहने योग्य बातों को बहून मनी बहुत सारी न कहने योग्य बातें तुम्हारे बारे में कहेंगे। निंदंतस्तव सामर्थ्यम ततो दुख तरम नुकिम, तुम्हारी सामर्थ्य की निंदा करते हुए, तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुत सारी न कहने योग्य बातें कहते जाएंगे, ततो दुख तरम कि मुझे बताओ कि उससे ज्यादा दुखकारी चीज और क्या होगी, बहुत बड़ा कष्टदायक वो चीज होगी। हतो वा प्राप्स्यसि सुर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। कहते हैं तुम मर भी गए तो देखो कर्तव्य पूरा करते हुए कोई आदमी चला जाता है तो उसे स्वर्ग मिलता है, जित्वा वा भोक्षसे महिम, और यदि कर्तव्य पूरा करते हुए उसे सफलता मिल जाती है और वो जिंदा रहता है तो इस संसार का पालन करता है, इस संसार का की रक्षा करता है, भोग करता है। भोग करने का मतलब अपने संकल्प के अनुसार इस दुनिया को चलाता है, ऐसे बोलते हैं। योग से शक्ति, ज्ञान से मुक्ति, प्रेम से भक्ति और सेवा से भुक्ति, ये सहज रूप परिणाम रूप में हमारे को मिलते हैं। जब आदमी चित्तवृत्ति निरोध की स्थिति में रहता है, अपनी वृत्तियों को बिखरने नहीं देता, तो उसके अंदर बड़ा आत्मबल आता है, उसके भीतर बड़ा बल फूटने लगता है। चित्त की जो वृत्तियां हैं वो बिखरती रहती हैं और हमारा बल क्षीण होता रहता है, लेकिन जब हम योग की स्थिति में रहते हैं, योग का मतलब चित्त वृत्ति निरोध, माने अधर्म से अपने वृत्तियों को हटाने का नाम योग, पहली योग की स्थिति है, और अपने आप को सब वृत्तियों से अलग कर लेना,
ये योग का दूसरा रूप है। योग के दो रूप हैं। योग का पहला जो रूप है, अपने आप को अशुभ वृत्तियों से अलग कर लेना। योगश्चित्त वृत्ति निरोध की ही व्याख्या मैं अपने शब्दों में बता रहा हूं कि योग का एक जो रूप है उसको शास्त्रीय भाषा में संप्रज्ञात योग, असंप्रज्ञात योग ऐसा ऐसा नाम दे देते हैं। उसी को व्यावहारिक भाषा में यदि कहें, अपने मन को अशुभ से हटाकर हमेशा शुभ में लगाए रखना, अधर्म से हटाकर हमेशा धर्म में लगाए रखना, अकर्तव्य से हटाकर हमेशा कर्तव्य में ही लगाए रखना, हीनता से ऊपर उठकर हमेशा उच्च भाव में जीना और दुष्ट संकल्प से मुक्त होकर शिव संकल्प में ही जीना, ये योग का पहला रूप है। और योग का दूसरा रूप क्या है? शांत संपूर्ण अपने अस्तित्व को एकदम स्विच ऑफ कर देना, सारी वृत्तियों से मुक्त होकर के रहना, निस्संकल्प रहना, निर्विचार रहना, कोई कल्पना नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं, कोई क्रिया नहीं, कोई चेष्टा नहीं। दो रूप बताए योग का, एक रूप में शुभ कर्म, शुभ चेष्टा, और हमेशा 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 शुभ में रहना, शिव संकल्प में रहना। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, वेद की जो प्रार्थना है ये घटित होती है उस योग के प्रथम रूप में। ज्यादा हमारा जीवन प्रथम रूप में ही बीतता है। वो जो दूसरा रूप है वो प्रथम रूप को पुष्ट करने के लिए, और प्रथम रूप द्वितीय रूप में जाने के लिए साधन बनता है। एक दूसरे के लिए ये सहयोगी होते हैं। प्रथम रूप में जब हम रहते हैं तो योग का जो दूसरा रूप है वो उपलब्ध होने के लिए हमें सुविधा हो जाती है, हमें सहायता मिलती है, और हम वृत्ति निरोध की, पूर्ण वृत्ति निरोध की स्थिति में जा सकते हैं, और हम आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं, अपने स्वरूप का अनुभव कर सकते हैं, शुद्ध चैतन्य रूप में हम अपने आप को स्थापित कर सकते हैं, माने शरीर धर्म से ऊपर उठ सकते हैं, शरीर से, मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से अपने आप को मुक्त कर सकते हैं यदि हम इस स्थिति में रहते हैं तो। पहले वाला रूप यदि हम अपना लेते हैं तो ये पहले वाला जो रूप है ये दूसरे वाले रूप में जाने के लिए हमारे को बहुत बड़ा एक संबल मिलता है, सहयोग मिलता है, सहायता मिलती है। पहले वाला जो रूप होता है उस रूप में जीने से चार चीजें बताई व्यास देव जी महाराज ने, उसको व्यास देव महाराज कहते हैं। ये जो गीता के रचयिता हैं ये वेद व्यास हैं, और योग दर्शन के भाष्यकार का नाम है व्यास देव। तो व्यास देव जी जो है, कुछ लोग कह देते हैं कि ये यही तो हैं, यही नहीं है दूसरे। तो व्यास देव जी महाराज कहते हैं कि जो योग का जो प्रथम रूप है उसमें अपने जीवन को जो जीना शुरू कर देते हैं उनको चार चीजें मिलती हैं। क्या क्या? तो वो कहते हैं कि उसको उसके क्लेश जो है ना वो क्षीण होना शुरू कर देते हैं। कौन से क्लेश? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, मृत्यु, भय, अभिनिवेश, ये जो क्लेश उन्होंने डिवीजन बनाया ये सारे क्लेश क्षीण होना शुरू कर देते हैं। उस व्यक्ति के जो कर्म बंधन है वो टूटने, ढीले पड़ने लगते हैं, और उस व्यक्ति का क्षीणोति च क्लेशान कर्म बंधनानि श्लथयति, कर्म बंधन ढीले पड़ने लगते हैं, निरोध समाधि के कगार पर जाकर खड़ा हो जाता है वो व्यक्ति। अंतिम जो जागृत सुसुप्ति, एक होती है जागृत अवस्था, एक स्वप्न अवस्था, एक सुसुप्त अवस्था, ये हमारी तीन अवस्थाएं हैं। ये जो अभी बैठे हुए हैं चर्चा कर रहे हैं परस्पर, ये जागृत अवस्था है। जब नींद में होते हैं, और नींद में दो अवस्थाएं घटती हैं, एक स्वप्न और एक सुसुप्ति, और एक जागते हुए ऐसी स्थिति में चले जाएं कि जैसे सोते हुए हमारी स्थिति होती है, उसको समाधि, असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं।
उसको तुरीयावस्था कहते हैं, उसको रमण महर्षि जागृत सुसुप्ति कहते हैं, अलग अलग इन नामों से एक ही बात को कहा जा रहा है। और एक काम यह होता है कि चीजें जैसी हैं वैसी दिखने लगती हैं। सद्भूतम अर्थम प्रद्योतयति, सद्भूतम एकाग्र चेतसी, एकाग्र चित्त में जो हमारे मन में स्थिति घटित होती है तो वहां चीजें साफ साफ दिखाई देती हैं, मिली हुई नहीं दिखाई देती। सामान्य स्थिति में आदमी को चीजें कंफ्यूज्ड और आपस में मिली हुई दिखाई देती हैं। कैसे मिली हुई दिखाई देती हैं? जो चीजें वो जो कहा है ना, अनित्या सुचि दुखानात्म सु नित्य सुचि सुखात्म ख्याति रविद्या, ये मिला हुआ ही तो रूप है। जो अनित्य चीजें वो नित्य दिखाई देती हैं, अपवित्र चीजें पवित्र, जिन चीजों को हम छूना नहीं चाहते कभी भी, और छू लें तो बड़ा वो तुरंत उसको साफ करना चाहते हैं, अज्ञान की स्थिति में उन्हीं चीजों को पसंद करते हैं, उन्हीं चीजों को छूना चाहते हैं, उन्हीं चीजों को पसंद करते हैं। अपवित्र चीजों को हमारी बुद्धि पवित्र देखने लगती है, दुख को भी सुख समझने लगती है, जो आत्मा नहीं है अनात्म है उसको आत्मा समझती है। ये हमारी बुद्धि में घटना घटती है। लेकिन जब हम हमेशा हमेशा पहले वाला जो योग उस स्थिति में रहते हैं तो हम ठीक ठीक देख पाते हैं, जो चीजें जैसी हैं उनको वैसा देख पाते हैं, हमारे बंधन ढीले पड़ने लगते हैं। अर्थात ये जो कुछ भी हम करते हैं वो कर्म हमारे लिए बंधक बनते जाते हैं, माने उसका अभ्यास होता जाता है, वो फिर दोबारा हमको रिपीट होते हैं, वो इच्छाएं बन जाती हैं, वासनाएं बन जाती हैं, और बार बार उन कर्मों को हम करते हैं। एक प्रकार से ऐसा प्रारब्ध हमारा एक चेन बनती जाती है, कर्म करते हैं उससे प्रारब्ध बनता है, उससे फिर कर्म होते हैं फिर प्रारब्ध बनता है, कर्म करते हैं उसके वासनाएं बनती हैं, इच्छाएं होती हैं और फिर वही कर्म होते हैं, ये रिपीटिशन चलता रहता है निरंतर। लेकिन जब हम निष्काम कर्म करते हैं, जब हम शुभ कर्म करते हैं, जब हमेशा शुभ में रहते हैं और हमेशा अक्लिष्ट वृत्तियों में रहते हैं, योग का जो प्रथम रूप है वो अक्लिष्ट वृत्तियों वाला है। जैसे हम अपने को एक सुंदर शरीर, एक अच्छा बुद्धिमान, एक अच्छे घर में पैदा हुआ, ये सब हम देह को अपना स्वरूप समझते हैं तो ये क्लिष्ट वृत्ति होती है। और जब हम ये समझते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर तो एक आवास का साधन मुझे मिला है, मैं शरीर नहीं हूं, शरीर से अलग मैं एक अमरण धर्मा हूं जिसका गीता आदि शास्त्रों में उपदेश किया है, एक रस नित्य तत्व के रूप में जिसका बखान हुआ है, मैं वो हूं, ये विचार तो करता हूं। ये विचार जो मैं कर रहा हूं ये वृत्ति रूप होते हैं। चित्त की ज्ञानात्मक अवस्था का नाम वृत्ति होता है, चित्त का जो ज्ञानात्मक व्यापार है उसको वृत्ति कहते हैं। चित्त जो अलग अलग व्यापार करता रहता है ना उसको वृत्ति कहते हैं। और वृत्तियां दो तरह की हैं, कुछ क्लेश को बढ़ाती हैं कुछ क्लेश को मिटाती हैं। तो योग करने का मतलब क्लिष्ट वृत्तियों से हटना और अक्लिष्ट वृत्तियों में जीना, ये योग का प्रथम रूप है। और जब उन अक्लिष्ट वृत्तियों का भी निरोध हम करते हैं अर्थात पूरे शांत हो जाते हैं, वृत्ति रहित, चाहे वो 10 मिनट के लिए हो, आधा घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, जिसकी जितनी क्षमता सामर्थ्य रुचि समय आदि की जो भी अपेक्षाएं उसको आवश्यक हैं वो करता है, तो ये योग का दूसरा रूप है। इन दोनों का परस्पर कोरिलेशन है, पहले से दूसरे में, दूसरे से पहले में सहायता मिलती है। जब दूसरा हमारे को सिद्ध हो जाता है तो पहला सहज होता जाता है, और पहला सिद्ध हो जाता है तो दूसरे में जाने के लिए भी हमें सुविधा होती है। इस तरह से हम योग की दिशा में जब आगे बढ़ते हैं तो ये चीज हमारे जीवन में चलती रहती है। तो हमें अपना कर्तव्य पालन, ये जो योग का प्रथम रूप है कि हम अपना कर्तव्य पालन करें, ये योग का जो प्रथम रूप है उसको हम सहज बना लेते हैं तो योग का जो दूसरा रूप है
आत्म साक्षात्कार के लिए वृत्ति निरोध की, पूर्ण वृत्ति निरोध की जो स्थिति, चाहे वो 10 मिनट के लिए, अभी कल्पना भी नहीं कर सकता है, जो आदमी कामनाओं में उलझा हुआ है, इच्छाओं में उलझा हुआ है, शरीर को ही अपना स्वरूप समझता है और सांसारिक पदार्थों से, क्रियाओं से, संबंधों से सुखी होने का उसको केवल उपाय पता है कि भाई संबंध, चीजें, वस्तुएं, क्रियाएं, तरह तरह की, सम्मान, संपत्ति, ऐश्वर्य, इन्हीं से जीवन की धन्यता है, कृतार्थता है। ऐसा जिसकी बुद्धि बनी हुई है वो कभी भी वृत्ति निरोध की अंतिम अवस्था में नहीं जा सकता है, ये पक्का है बिल्कुल। आप लोग भी इसको अनुभव करके देख लें, जब हम पूरे समर्पण की स्थिति में होते हैं, आप अपने अपने स्तर पर इस बात को अनुभव करें कि पूरे के पूरे यदि आप समर्पित हो जाते हैं तो उतनी देर के लिए आपका मन पूरा शांत हो जाता है, सहज रूप से, करना नहीं पड़ता, होता है। आप कुछ समय के लिए ऐसा कीजिए कि मैं कोई इच्छा नहीं करूंगा, कोई इच्छा आए अभ्यास बल से चुपचाप उठेगी, ऐसे धीरे से उठेगी, तो उसकी तरफ आप देखिए कि नहीं, उसको देखिए केवल, उसके संघर्ष, उसके साथ संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं, उसके साथ अपने को मिलाने की आवश्यकता नहीं, उसका सुख लेने की आवश्यकता नहीं और उसकी निंदा करने की आवश्यकता नहीं, केवल आप देखिए उसको। यदि कोई इच्छा उठती है तो उसको देखिए धीरे से, और ऐसे करने से कि मैंने अपने आप को पूरा का पूरा भगवान को दे दिया है, और आप कह दिए आधा घंटे के लिए, 10 मिनट के लिए मैंने दे दिया है, जैसे कोई कहते ना कि स्वामी जी मैंने 1 साल आपके कहे अनुसार सेवा करूंगा, आपको मैंने दे दिया, आप जो आप मुझसे कराएंगे मैं करूंगा, आप ये तो कह ही सकते हैं ना कि जी मैं अपना कुछ नहीं करूंगा, 1 साल के लिए आपको मैंने दे दिया। तो आप ऐसे रोजाना कह सकते हैं कि मैंने 10 मिनट अपना कोई काम नहीं रखा, 10 मिनट के लिए मैं पूरा का पूरा अपने सारे उत्तरदायित्वों को स्टॉप कर रहा हूं। जैसे हम सोच जाते हैं तो अपने दूसरे काम छोड़ते हैं कि नहीं, स्नान करते हैं तो अपने दूसरे काम छोड़ देते हैं, भोजन करते हैं तो दूसरे काम छोड़ देते हैं, तो ऐसे हम कह सकते हैं, ऐसा अपने को सुना सकते हैं कि मैं 10 मिनट के लिए मैंने अपने सारे काम बंद कर दिए। जैसे दूसरी जगह बंद करते हैं तो यहां भी बंद कर सकते हैं। तो आप देखेंगे जब कोई इच्छा नहीं है तो बंद हो जाएंगे, लेकिन आपने अपनी इच्छा बनाई हुई है तो आप कह तो देंगे कि 10 मिनट के लिए मैंने सारे काम बंद किए, पर वो बंद नहीं होंगे, अपने आप चलते रहेंगे। आप तो ताकत लगाएंगे कि मेरे काम सारे मैंने छोड़ दिए हैं, और फिर वो याद आएंगे उसी समय, बढ़िया याद आएंगे, जब सारी चीजें शांत होगी तो वो जो काम है ना वो इधर उधर के वो उसी समय याद आएंगे। तो ये जो स्थिति आती है, ये कर्तव्य, सही कर्तव्य पूरा करने से, हमको जो सामर्थ्य मिली है उस सामर्थ्य का सदुपयोग करने से, दुरुपयोग से, उस सामर्थ्य को दुरुपयोग से बचाने से ये सामर्थ्य आती है हमारे भीतर। जैसे हमको सामर्थ्य मिली, एक एक तीन चीजें हैं, एक सामर्थ्य और एक ज्ञान और एक भाव, ये तीन चीजें हैं अपने पास। सामर्थ्य का उपयोग होता है उदारता में, सामर्थ्य यदि है तो उसके दो उपयोग हो सकते हैं, या तो अपना सुख भोगो या दूसरों के सुख बढ़ाओ, सामर्थ्य का और उपयोग क्या हो सकता है। और ये सामर्थ्य और ज्ञान को भेद करके देखने की चीज है, इसको मिला देते हैं हम लोग। जैसे मैं व्याकरण पढ़ाना जानता हूं, संस्कृत जानता हूं, ये ज्ञान थोड़ी है, ये सामर्थ्य है। कोई गणित जानता है, कोई मैथमेटिक्स जानता है, कोई आयुर्वेद जानता है, इसको ज्ञान नहीं कहते, इसको सामर्थ्य कहते हैं। जैसे कोई भाषण देना जानता है, कोई बहुत अच्छी अच्छी बातें बताता है दूसरे को, तो ये उसकी सामर्थ्य है, उसकी क्षमता है, ऐसी योग्यता है उसकी,
कोई लेखक है, कविता लिखता है, ये उसकी सामर्थ्य है। तो आप पूछोगे कि ज्ञान क्या हुआ फिर? जैसे आप लोग तो ये समझते हो, वह खेत में काम करता है तो उसकी सामर्थ्य है, बिजनेस व्यापार करता है तो सामर्थ्य है, लेकिन कोई वेद पढ़ाए और उपनिषद पढ़ाए, गीता पढ़ाए, तो ये तो फिर ज्ञान ही होना चाहिए, इसको तो सामर्थ्य में नहीं रखना चाहिए, ऐसा आपके मन में आती होगी। पर मैं ये कह रहा हूं कि ये तो सामर्थ्य है कि वो वेद पढ़ा सकता है, वो गीता पढ़ा सकता है, वो संस्कृत जानता है, वो शास्त्र जानता है, ये सारी सामर्थ्य में आती चीज। शरीर की सामर्थ्य होती है, एक बुद्धि की सामर्थ्य होती है, और वाणी की सामर्थ्य होती है, लेखने की सामर्थ्य होती है, अलग अलग सामर्थ्य होती है। ये फिर ज्ञान क्या चीज है? आप पूछेंगे कि ये ज्ञान क्या है? ज्ञान जो है वो हमारे को हमारी स्थिति का बोध कराता है कि हमारी क्या स्थिति है और हमारा शुद्ध स्वरूप क्या है, हमारा मिला हुआ रूप क्या है। ज्ञान हमको चीजें जैसी हैं उनको वैसा दिखाने के लिए, जैसे कोई चीज है सुखदायक उसको सुखदायक दिखाता है, दुखदायक है दुखदायक, नित्य है तो नित्य, अनित्य है तो अनित्य, पवित्र है तो पवित्र, पवित्र है तो अपवित्र, जैसी चीजें हैं वैसी ज्ञान हमारे सामने उनको रख देता है। ज्ञान का ये रोल है, चीजें जैसी हैं उनको वैसा रख देता है हमारे सामने। यदि ज्ञान नहीं है और सामर्थ्य है खूब सारा, तो हमें हम बता सकते हैं, वेद पढ़ा सकते हैं, गीता पढ़ा सकते हैं, पर हम स्वयं वैसा अपने जीवन को नहीं बना सकते, वैसा नहीं जी सकते। ऐसे भी विद्वान होते हैं मैंने देखे हैं कि बहुत ही, माने मैं अपने से भी बिल्कुल देखी हुई बात करता हूँ, अपने से भी अच्छा विद्वान मानता हूँ, पर वो यूं कहते हैं कि आदमी को जैसे भी एन केन प्रकार अपने काम निकालने चाहिए, उनको कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ट्रेन में सफर कर रहे हैं, टिकट टीटी कहता है कि भाई टिकट लोगे तो मैं 1,500 रुपये लूंगा, और यदि टिकट नहीं लेते हो तो मैं 500 रुपये में ले चलूंगा। तो उनको ऐसा आता है मन में कि चलो 1,000 बचेंगे, विद्वान तो मेरे से भी अच्छे हैं, मेरे को आप लोग अच्छा विद्वान समझते हैं, पर विद्वान मेरे से भी अच्छे हैं, पर व्यवहार में ये चीज ज्ञान की कमी है, सामर्थ्य की कमी नहीं है उनमें, ज्ञान की कमी है। सामर्थ्य तो खूब है लेकिन ज्ञान की कमी है, देख नहीं पा रहे कि ये जो है ऐसा आचरण मेरे लिए और सबके लिए हानिकर है, ये देख नहीं पा रहे। हानिकर चीजों को, ज्ञान जो होता है वो हानिकर चीजों को हानिकर दिखाता है, लाभ कर चीजों को लाभ कर दिखाता है। ज्ञान ही वो शक्ति है जो हमारे को हमारे सामने ये दिखाता है कि ये तेरे लिए हितकर है और ये अहितकर है। ज्ञान के अभाव में हम हितकर चीजों को अहितकर समझ लेते हैं और अहितकर चीजों को हितकर समझ लेते हैं। तो ये जो ज्ञान है, मतलब उनको शास्त्र कम पढ़े हुए भी सही ज्ञान है, इस अंश में, तमाम अंशों में हमारे को ऐसे यदि कर्तव्य और अकर्तव्य का यदि बोध हो जाए तो हम कहेंगे कि ये ज्ञान इसका पूरा है भाई। कहीं पर भी इसको ज्ञान यदि हमको सही सही है तो हम गलत कर नहीं सकते हैं। हमारे ज्ञान में कमी होती है, जैसे हमने कोई विष्णु का सुख लेना चाह तो ज्ञान जो है वो हमको दिखाएगा कि इसमें तो परिणाम में बहुत सारा दुख है और तुम इसमें सुख देख करके और इसमें प्रवृत्त हो रहे हो। दो चीजें होती है ना, एक हान और एक उपादान, मानी त्याग और उपादान, दो चीजें होती हैं।
निरंतर हम कर रहे हैं, निरंतर चल रहा है हमारा प्रोग्राम। माने कुछ चीजें हम त्यागते हैं, कुछ चीजें ग्रहण करते हैं। तो ये ज्ञान की ही महिमा है कि जो त्याज्य है उसका त्याग कराता है और जो ग्राह्य है उसका ग्रहण कराता है। हमारे अस्तित्व में ऐसी कोई दूसरी चीज नहीं, ज्ञान ही वो हमारे को दिशा देता है हमेशा। हम यदि झूठ बोलते हैं, हम जो चालाकी करते हैं, किसी से ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, हम छल कपट करते हैं या स्टेट के कानून को तोड़ते हैं, जैसे कि टोल टैक्स देने से बचते हैं या बिजली की चोरी करते हैं या सामान खरीदने के लिए जाते हैं, तो वो भी करते थे हम। अरे भाई गुरुकुल का सामान है, खरीद रहे हैं तो चलो, ये जो है ना वो आप इसका वो मत बनाओ, बिल मत बनाओ, टैक्स छोड़ो, बिल मत बनाओ, हमें ऐसे ही ले जाते हैं। ये सारी जो गड़बड़ करते हैं ना, ये सारी ज्ञान के अभाव में, ऐसा मेरे को अब समझ में आ रहा है। ये तो भाई स्पष्ट है कि हमारे ज्ञान की अल्पता के कारण से, और सामर्थ्य की कमी नहीं है, सामर्थ्य अलग चीज है, अलग प्रकार की चीज है। हमने पुस्तक में पढ़ लिया, दूसरे को सुना दिया, तो सामर्थ्य की बात होगी, उसका अर्थ समझा दिया कि इस वाक्य का ये अर्थ है, लेकिन हमें उसमें विश्वास नहीं है, जो हम पढ़ा रहे हैं उसमें विश्वास नहीं है, तो ज्ञान की कमी है ये। ठीक तरह से हमने उन चीजों को अनुभव नहीं किया। विश्वास और ज्ञान, ये दो चीजें होती हैं, विश्वास की भी कमी है और अनुभव की भी कमी है। तो हमारे भीतर एक ज्ञान नाम का तत्व है, ये जो विश्वास है ये भाव में आएगा। तो हमें अनुभव की कमी है कि ठीक ठीक हमारी बुद्धि उसको नहीं देख पा रही है, इसको कहेंगे ज्ञान का अभाव। और बुद्धि तमाम विषय में सही सही देख पा रही है कि भाई भोजन करते समय यदि तू ज्यादा भोजन करेगा तो ये परिणाम में दुख देगा, और परिणाम में ज्ञान कभी भी ऐसा हमको सुझाव नहीं देता कि परिणाम में दुख आता है तो आने दो, पर करो अपना काम। ज्ञान हमको ऐसे नहीं दिखाता, ज्ञान हमको ये दिखाता है कि परिणाम में दुख आता है तो इससे भी बचो, वर्तमान काल में दुख आ रहा है तो उससे भी बचो, और परिणाम में दुख आ रहा है तो उससे भी बचो, ज्ञान हमको ये दिखाता है। तो दूसरी चीज है ज्ञान की हमारे व्यक्तित्व में, अस्तित्व में, और तीसरी जो चीज है वो भाव की। तो भाव भी हमें शुद्ध करने होते हैं, जैसे महान आत्माओं के ऊपर हम विश्वास करते हैं, उनकी वाणी पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, ये भाव की चीज है। जानते तो नहीं, वेद शास्त्रों में जो कहा है उसको हम जानते तो नहीं, लेकिन हम उसको मान लेते हैं कि ऐसे इस महान व्यक्ति ने कहा है तो हम इसको मान लेते हैं। गुरुजी वो किसी अच्छे प्रयोजन के लिए झूठ बोला जाए तो, जैसे आपने गुरुकुल के लिए कहा, तो मतलब प्रयोजन अच्छा भी हो सकता था उसमें, मतलब हो सकता होगा, वो महिमा फिर पैसे की हो जाती है, सत्य की महिमा नहीं रहती। जैसे अच्छा और बुरा, तो इस बिंदु से हमें विचार करना होता है, वो महिमा जो है वो पैसे की हो जाती है, सत्य की महिमा नहीं रहती है। तो इसलिए हमें ये हमेशा देखना है कि हम पैसे की महिमा यदि आँकते हैं, वस्तु की महिमा यदि आँकते हैं, पदार्थ की महिमा, चीज़ों की, वस्तुओं की, परिस्थितियों के अनुसार यदि हम कार्य करते हैं तो फिर सत्य की महिमा नहीं होती है, फिर दूसरी चीज़ों की महिमा आ जाती है। मेरे को तो ये समझ में आ गई ये बात कि ज्ञान जो है वो हमको सही सही त्याग और ग्रहण का सही सही निर्देश करता है। जब ज्ञान गड़बड़ होता है तो त्याग और ग्रहण ठीक नहीं हो पाता। माने जो ग्राही है वो त्याज्य हो जाता है और जो त्याज्य है वो ग्राही हो जाता है, ये ज्ञान के गड़बड़ होने से। जैसे सामर्थ्य की कमी से क्या होगा, सामर्थ्य की कमी से क्या होगा, मकान नहीं बना सकते,
गाड़ी नहीं खरीद सकते, मोबाइल नहीं ले सकते, कपड़े नहीं खरीद सकते, भोजन नहीं मिलेगा, वस्तु नहीं मिलेगी, दूध नहीं मिलेगा, फल नहीं मिलेगा, हजारों चीजें गिना देंगे। सामर्थ्य की कमी से, धन की सामर्थ्य, शरीर की सामर्थ्य की कमी से ऊपर से चढ़ करके यहां तक नहीं आ पाएंगे, नीचे से ऊपर तक नहीं आ पाएंगे। किसी के पैर में, घुटने में दर्द हो तो जीना नहीं चढ़ पाता है, सामर्थ्य की कमी रुकावट बन रही है। किसी का, हमारे गुरुजी जो डॉक्टर विजयपाल जी विद्यावारिधि, आखिरी दिनों में उनकी वाणी चली गई। एक साल तक लगभग, मुझे ऐसा लगता है कि एक वर्ष तक वो बोल नहीं पाते थे, बिल्कुल एकदम से एक शब्द भी मुख से नहीं निकलता था। तो सामर्थ्य की कमी हो गई ना। तो इस तरह से सामर्थ्य की जब कमी होती है तो उस सामर्थ्य से जो काम होते हैं वो नहीं हो सकते हैं। और ज्ञान की कमी से ग्रहण और त्याग का जो प्रोपोर्शन है, या ग्रहण और त्याग, जिन जिन चीजों का ग्रहण और जिन जिन चीजों का, वो तो कहा भी है शास्त्र में, बिल्कुल साफ साफ कहा है कि ज्ञान क्या कराता है, हे हानम उपादे उपादानम, सांख्य में सूत्र भी आता है इसका। ज्ञान का जो फल है वो यही है कि हे का हान, जो त्याज्य है उन चीजों का त्याग, और जो ग्राही है उन चीजों का ग्रहण, ये ज्ञान का, हमारे को ज्ञान की मदद मिलती है। और यदि हे का हान और उपादेय का उपादान ठीक ठीक नहीं होता तो सही ज्ञान नहीं है, गलत ज्ञान हमारे को, जैसे कोई, हम बाल्यकाल से एक गलत बात हमारे कानों में पड़ती रहती थी और उसके अनुसार फिर हम चेष्टाएं भी की हैं, करते रहे हैं कि भाई खाने पीने की कोई चोरी नहीं होती है। बाल्यकाल से ऐसी ऐसी बात हमारे कानों में, तो इस ज्ञान के अनुसार हम फिर खाने पीने की कोई चीज छुप करके कोई खा ली, किसी की उठा करके, या घर की, जैसे घर में ही जा करके कोई चीज रखी है और उसको खा लिया, या किसी दूसरे के खेत में जैसे चने खड़े हुए हैं उखाड़ करके खा लिए, किसी के बेर लगे हुए हैं तो उनको उखाड़ के, उनको तोड़ करके खा लिए। तो ये सब क्या होता है, हमको बाल्यकाल से एक एक चीजें बाहर से भी सीखने को मिलती हैं, फिर हम वैसा ही, हमारा मन निश्चय कर लेता है कि हाँ ऐसा ऐसा है, खाने पीने में कोई चोरी नहीं होती है, हम, हमारे को ऐसा एक निश्चय सा हो जाता है, गलत बात का निश्चय हो जाता है। तो इसको बोलते हैं अज्ञान। जब गलत बात का भी निश्चय हो गया तो उसको अज्ञान बोलेंगे और उसी के अनुसार हमारी क्रियाकलाप होंगे। तो ये दूसरी चीज है हमारे अस्तित्व में, ज्ञान, जिसको हमें प्योरीफाई करना होता है, शुद्ध करना होता है। ज्ञान जितना शुद्ध हो जाता है उतनी हमारी क्रियाएं बिल्कुल एकदम उसी के अनुसार चलती हैं। ज्ञान की शुद्धिकरण के उपाय हम बताते ही रहते हैं, शास्त्र उसकी शुद्धिकरण का उपाय है, महान आत्माएं उसकी शुद्धिकरण के उपाय हैं, और हमारा जो विचार शक्ति है, अच्छे से निर्मल जो विचार शक्ति है वो भी ज्ञान को शुद्ध करता है, तपश्चर्या ज्ञान को शुद्ध करती है, और वेद के मंत्र ज्ञान को शुद्ध करते हैं, और ऐसे धर्मशास्त्रों का जो स्वाध्याय है वो ज्ञान को शुद्ध करता है। ये सारे ज्ञान को शुद्ध करने के उपाय हैं। फिर तीसरी चीज है विश्वास, भाव, भाव को कहना चाहिए, भाव को भी हमें शुद्ध करना होता है। भाव भी दोनों तरह से, ज्ञान शुद्ध अशुद्ध होता है, सामर्थ्य कम ज्यादा होती है, और ज्ञान शुद्ध अशुद्ध होता है, मतलब ज्ञान और अज्ञान मिला हुआ जैसे रहता है, शुद्ध अशुद्ध होता है, ऐसे भाव भी हमारे शुद्ध अशुद्ध होते हैं। तो भाव को भी शुद्ध करना होता है, और भाव में विश्वास प्रधान होता है, प्रेम प्रधान होता है, भाव में सहयोग प्रधान होता है, ये अच्छे भाव में बता रहा हूं, और स्नेह प्रधान होता है, और उदारता, दूसरे के लिए कुछ करना, स्नेह, उदारता, दूसरे को सम्मान देना, आदर देना, मनी श्रद्धा, भक्ति, प्रेम, ये सारे भाव होते हैं जो अच्छे भाव होते हैं। इससे विपरीत भाव भी होते हैं, स्वार्थ का भाव, अपना काम निकालने का भाव, घृणा का भाव, और द्वेष का भाव, ईर्ष्या का भाव, और
लोभ का भाव, लालच का भाव, ये अशुद्ध भाव होते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे अस्तित्व में चलती रहती हैं। तो यहां पर एक बात बताई है, वापिस यहीं आ जाओ 37वां श्लोक में, कि भाई तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय, कि हे कौन्तेय युद्ध के लिए मानी अपने कर्तव्य को ठीक ठीक निभाने के लिए खड़े हो जाओ। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम अपने कर्तव्य को ठीक ठीक पूरा करते हैं तो हमारी दो चीजें सही होने लगती हैं, अगली ज्ञान और भाव। हमारा ज्ञान ठीक होने लगता है और हमारा भाव ठीक होने लगता है। नहीं तो यदि हमने अपनी सामर्थ्य का दुरुपयोग किया तो ज्ञान भी बिगड़ेगा और भाव भी बिगड़ेगा। कई लोगों को मैंने देखा, बहुत निकट से जानता हूं, जिन्होंने रिश्वत ले लेकर के और अपना खूब सारा पैसा कमाया, उनका घर बर्बाद हो गया, उनके बालक बर्बाद हो गए, वो पैसे से जो सुख मिलना चाहिए वो ले नहीं सके। बिल्कुल मैंने इसी जीवन में मैंने देखा है। तो सामर्थ्य का दुरुपयोग किया, सामर्थ्य का दुरुपयोग किया, ज्ञान का अनादर किया। थोड़ा बहुत ज्ञान जैसे हमको मिलता भी है ना, उसका अनादर करते रहते हैं। वो अनादर इसलिए होता है कि हमारा जो सुख के प्रति जो लालच है, लगाव है, सुख लेने के लिए जो हमारे अंदर एक निरंतर वेग उठता रहता है, वो इतना प्रभावशाली होता है, इतना ज्यादा प्रभाव है हमारे दिल और दिमाग के ऊपर, सुख लेने का इतना ज्यादा तीव्र प्रभाव है कि जो थोड़ा बहुत ज्ञान इधर उधर से हमें, जैसे खाने पीने की चोरी नहीं होती, ये बात भी सुनने को मिलती है, और दूसरी दूसरी बात भी सुनने को मिलती है कि भाई किसी की कोई चीज नहीं लेनी चाहिए और ऐसे रहना चाहिए। और स्कूल में जाते हैं तो कितनी अच्छी अच्छी बातें, स्कूल पढ़ते हैं तो उसमें भी मिलती रहती हैं, लेकिन हमारा वो मिला जुला रहता है, कहीं अच्छी बात हमारे मन में आ जाती है, कहीं बुरी बात आ जाती है, ऐसे चलता रहता है। पूरा हमारा ज्ञान एकदम से ऐसे नहीं होता कि ये तो करने का है, ये न करने का है। इस तरह से हमें अपने जीवन को चलाने के लिए ज्ञान का आधार नहीं मिलता है, और थोड़ा बहुत मिलता है उसका अनादर करते रहते हैं, थोड़ा बहुत हमारा विश्वास होता है उसमें संशय करते रहते हैं, और सामर्थ्य थोड़ा बहुत रहता है तो उसका दुरुपयोग करते रहते हैं। ये गड़बड़ होती रहती है हमारे जीवन में। तो सामर्थ्य को दुरुपयोग से बचाना चाहिए। सामर्थ्य का दुरुपयोग सुख लेना है अपने लिए, ज्ञान का दुरुपयोग है अपनी तरफ ध्यान न देना और दूसरों को अच्छी अच्छी बातें बताना, ये करने की बातें, ये न करने की, ग्राही और ग्रहण, त्याज्य और त्याग अपने ऊपर लागू न करना और दूसरों को बताना, ये ज्ञान का दुरुपयोग है। स्वयं तो करता नहीं, दूसरों को बताना चाहता है, विश्वास में संशय करते रहते हैं। ये सारा चक्र जो है ना, व्यक्ति को अपने ऊपर डाल करके विचार करना होगा, तब जाकर के जीवन पकड़ में आएगा। इन्होंने कहा कि कर्तव्य पूरा करने के लिए खड़े हो जाओ, कर्तव्य पर इतना, कर्तव्य शास्त्र बता देते हैं कई तो, उन्होंने तिलक जी ने इसकी व्याख्या ही कर्तव्य शास्त्र के नाम से कर दी, कि गीता हमको कर्म योग का संदेश देती है, हमको अपने कर्तव्य सिखाती है कि हमें अपने कर्तव्य करने चाहिए। एक एक जैसे रामानुज आचार्य जो हैं, उन्होंने इसको भक्ति शास्त्र बता दिया, और शंकराचार्य जी ने इसको ज्ञान शास्त्र बता दिया, रामानुज आचार्य ने भक्ति शास्त्र, तिलक जी ने इसको कर्तव्य शास्त्र बता दिया कि कर्म योग की शिक्षा देती है ये गीता जो है, हमको कर्म का संदेश देती है, माने हमें कर्म इस भाव से करने चाहिए जिसमें आसक्ति ना हो, जिसमें कर्तृत्व ना हो। हमारे जीवन का एक हिस्सा है कर्म तो, कि हमें जो है अपने कर्तव्य को ऐसे करना चाहिए कि जिसमें सबका भला हो, समष्टि का हित हो, शास्त्र अनुमोदित हो और मेरी अंत चेतना के विरुद्ध ना हो, अंत चेतना के विरुद्ध ना हो, शास्त्र से विरुद्ध ना हो, समष्टि से अनुमोदित हो। ये सब कर्तव्य हम करेंगे तो उसका परिणाम ये होगा कि हमारा चित्त शुद्ध होता जाएगा, हमारा चित्त शुद्ध होता जाएगा, और शुद्ध चित्त जब होगा तो वो शांत हो जाएगा, और
शांत हो जाएगा और उसमें ज्ञान का एक और लाभ हमको मिलता है कि हम असंग हो जाते हैं, हम शरीर से, मन से, इंद्रियों से असंग हो जाते हैं, इनमें हमारी आसक्ति खत्म हो जाती है। ज्ञान का ये एक परिणाम होता है और हमारा जीवन जो है एकदम स्वाधीन हो जाता है, पराश्रय से मुक्त हो जाता है, ऐसा हमारा जीवन बन जाता है। तो ये एक दूसरे के साथ चीजें इंटरलिंक्ड होती हैं, जुड़ी हुई रहती हैं। स्वतंत्र रूप से एक चीज को हम पकड़ करके जीवन को नहीं समझ सकते हैं। और एक 38वें श्लोक में कहा, बड़ी अच्छी बात कही, अपने कर्तव्य को तुम्हें कैसे पूरा करना चाहिए, युद्धाय कृत निश्चय, युद्ध को मैं कर्तव्य की जगह खड़ा करके देख रहा हूं, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवम पापम अवाप्स्यसि। सुख दुख को समान करके, लाभ और हानि को, जय और पराजय को एक जैसा समझते हुए, सुख दुख को, हानि लाभ को, जय और पराजय को एक जैसा समझते हुए युद्ध के लिए खड़े हो जाओ, नैवम पापम अवाप्स्यसि, ऐसा करोगे तो पाप नहीं मिलेगा। देखिए, अपने मन को हमें ऐसी स्थिति में रखना है, अपने कर्तव्य को पूरा करते समय हमें ना तो सुख की तरफ ध्यान देना, ना दुख की तरफ, ना लाभ की तरफ, ना हानि की तरफ, ना जय की तरफ, ना पराजय की तरफ। अब जैसे कोई ओलंपिक में खेलता है तो खेले, कोई बात नहीं, कंपटीशन में कोई रुचि है कि मैं इसी तरह से मेरी क्षमता का सदुपयोग हो गया, तो सामर्थ्य का सदुपयोग दिखाया। अब ज्ञान की कमी होने से क्या होता है, देखा कि जैसे ही उसका प्रथम रैंक आ जाता है, गोल्ड मेडल मिलता है या सिल्वर मेडल या जो भी कांस्य पदक मिलता है, तो कैसे वो उछलने लगते हैं, कैसे आपे से बाहर हो जाते हैं, कितना वायु प्रदूषण करने लगते हैं, फिर पटाखे छुटाते हैं, क्या क्या करते हैं, पार्टी देते हैं, होटल में जाकर ठहरते हैं, नाच तमाशे करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो ये जो है सामर्थ्य तो उन्होंने अपनी अर्जित की, उसका प्रदर्शन भी किया, पर ज्ञान की कमी से फिर ये सब होने लगता है, हार जाएं तो मायूस हो जाते हैं और जैसे कई दिन तक जैसे विषाद की स्थिति में चले जाते हैं, कुछ भी दुनिया में अच्छा नहीं लगता है। तो गीताकार ये संदेश देते हैं कि भाई तुम काम करो, खेलो, कोई बात नहीं है, पर विजय हो तब भी तुम्हें उछलना नहीं चाहिए और हार गए तो भी तुम्हें परेशान नहीं होना चाहिए। तो फिर ये कहते हैं कि फिर खेलने का मजा क्या आया, ऐसे बोलने लगते हैं, खेल का फिर मजा ही नहीं रहा यदि हम उसी एक क्षण के लिए तो हम खेलते हैं कि जब हम विजय होंगे तो ऐसे उछलेंगे ऐसे। अब वो कितनी देर के लिए उछलते हैं, एक दिन दो दिन वो जो खुशी उनको मिलती है, और यदि वो नित्य जीवन को समझ जाएं कि हमें हर घटना में हमें सम रहना है, सुख में दुख में, हानि में लाभ में, जय और पराजय में हमें बिल्कुल अंदर से, तो हमारे मन में एक सहज शांति बनी रहती है, अद्भुत आनंद उत्पन्न होने लगता है। ये प्रयोग करके देखने की चीज है कि हम जो है अपने भीतर ऐसी स्थिति में चले जाते हैं कि हम पाप मुक्त हो जाते हैं। अरे जीवन की इससे बड़ी और क्या उपलब्धि होगी कि पाप हमारा पीछा छोड़ दे। ये सारे पाप ही तो हैं कि हमारा मन दृश्य से इतना प्रभावित रहता है कि हम अपने कर्तव्य को ठीक निभा नहीं पाते, वस्तुओं को, पदार्थों को, रुपए पैसे को, चीजों को, इन सब को इतना ज्यादा महत्व देने लगते हैं और उसके कारण से हमारा जीवन जैसा शास्त्र चाहता है, जैसा भगवान हमारे से अपेक्षा करता है, हमारी अंतस चेतना जैसा चाहती है, वो सब हम नहीं कर पाते हैं। पाप से मुक्त होने के लिए यही एक साधन है कि हम अपना कर्तव्य करें, लेकिन कर्तव्य करें लेकिन एक दो तीन जोड़े, सुख दुख लाभ हानि जय पराजय,
इसमें एक जैसे रहें, एक जैसे रहते हुए अपने कर्तव्य को पूरा करें। तो आगे कल फिर चर्चा करते हैं। ओम शांति शांति शांति।